हेलो फर्स्ट स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश नोटबुक एक्सरसाइज। इसमें हमने पिछले वीडियो में हार्ड वर्ड्स लिखे थे और राइट आंसर इन वन वर्ड लिखे थे, और मैंने आपको कहा था कि आपके पसंद के कोई भी दो ट्री के नाम हैं वो आपको इधर लिखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे की एक्सरसाइज है, वो है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट द, ये जो ब्लैंक होती है ना उसको हम बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं? डैश। द डैश शाइन्स इन द स्काई। तो हम इधर आंसर में क्या लिखेंगे? सन। ये जो डैश है उसमें आंसर क्या आएगा हमारा? सन। द सन शाइन्स इन द स्काई। आसमान में कौन चमकता है? सन। सेकंड, आई हैव अ रेड पेन। आई हैव अ रेड पेन। ये इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? डैश। तो आई हैव अ डैश पेन क्या आएगा? अभी तो बोला था आंसर मैंने रेड। हाँ, आई हैव अ रेड पेन। थर्ड, द कलर ऑफ माई हाउस इज डैश। द कलर ऑफ माई हाउस इज डैश। तो आंसर में हम इधर क्या लिखेंगे? ब्लू। द कलर ऑफ माई हाउस इज ब्लू। इधर इस ब्लैंक में पूछा है आपके घर का कलर कौन सा है? द कलर ऑफ माई हाउस, मेरे घर। मेरे घर का कलर ब्लू है, आपके घर का कलर कौन सा है वो आपको लिखना है। अगर आपके घर का कलर पिंक है तो आप पिंक लिखोगे, ब्लू है तो ब्लू, वाइट है तो वाइट। ओके, नाउ फोर्थ ब्लैंक, द कलर ऑफ द सन इज डैश। इसको बोला है डैश। द कलर ऑफ द सन, सन का कौन सा कलर होता है? येल्लो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येल्लो। सन का कलर कौन सा होता है? येल्लो। द कलर ऑफ द सन इज येल्लो। Now another exercise is question 3, true or false। क्या है? true, इसको बोलते हैं true और इसको बोलते हैं false। The color, उसमें पहला है the color of the tree is green। क्या ये सही है कि tree का color जो होता है वो green होता है? हाँ, ये सही है। तो हम क्या करेंगे इधर? ट्रू। सेकंड, द कलर ऑफ द सन इज ब्लू। सन जो है, द कलर ऑफ द सन, तो जो सन है उसका कलर इधर कहा है कि ब्लू है। क्या ये ट्रू है? रॉन्ग है ना। सन तो कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। तो इधर तो ब्लू लिखा है, मतलब कि ये सेंटेंस कैसा है? रॉन्ग है। तो हम इधर क्या कर देंगे? रॉन्ग। थर्ड, ट्री गिव्स अस शेड। ट्री जो है वो हमको क्या देता है? शेड। क्या सही सेंटेंस है? ट्री हमको शेड देता है। शेड यानी कि छांव देता है। यस, तो हम इधर क्या करेंगे? राइट। और अनदर एक्सरसाइज इज क्वेश्चन 4, राइट मिसिंग द लेटर्स। मिसिंग द लेटर्स मतलब कुछ वर्ड्स हैं उसमें हम आंसर नहीं लिखे होंगे, वो आंसर आपको लिखने हैं। जैसे कि अगर ये आंसर मैं इधर छुपा दूं तो इधर कौन सा आंसर आएगा वो आपको लिखना है। तो ऐसे ही मैंने लिखा इधर एश, ये क्या होगा? डैश। डैश ए डैश डी, तो ये कौन सा होगा इधर? एच डी। तो क्या बन गया? एस एच ए डी ई, शेड यानी कि छांव। अब ये एल
डैश यू डैश एच, तो इधर कौन सा आएगा ए एन जी, तो ये क्या बन जाएगा पूरा लाफ यानी कि हंसना। सी डैश वाई क्राई मीन्स रोना, और फोर्थ वाला है लास्ट एच डैश यू डैश ई, तो पहली डैश में ओ और सेकंड डैश में एस हाउस यानी कि घर। ओके थैंक यू।